उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के अब जागरूक हो चुकी है। 7 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन को 10 सीटें जो है मिली हैं, मात्र 2 सीटें जो है वो एनडीए को मिली हैं। पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और आगामी जितने भी इलेक्शन होंगे जो है उत्तर प्रदेश के, सब में इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतेगी। अब भाजपा के बहकावे में जो है जनता आने वाली नहीं है। इनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सड़कों की दुर्दशा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं। इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीतेगा और भाजपा विरोधी लहर चल रही है। भाजपा के खिलाफ % बहुमत जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इंडिया गठबंधन आगामी 27 में विधानसभा में भी अपनी सरकार बनाएगी। जो है एनडीए 10 से 10 सीट जीतेगी। खासकर मिल्कीपुर की बात करता हूँ, मेरे पड़ोस विधानसभा है, वहाँ से हम प्रजन बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी, उसमें हम सही जवाब ये दे रहे हैं कि मारपीट हो रही है टिकट के लिए, बाप बेटे को टिकट दे रहा है, बेटा बाप को टिकट दे रहा है, पूरी समाजवादी की ऐसी तैसी वहाँ हो रही है। मिल्कीपुर समाज मिल्कीपुर विधानसभा तो हम उसी लड़ाई के बाद जीत गए, और जो 10 सीट हमारी बची है 9 सीट, उसमें हम प्रजन बहुमत से जीतेंगे। जो लोकसभा की हमारी थोड़ा सा कम परसेंटेज है या कम परसेंटेज मार गए, उसमें केवल इतना दिक्कत है कहीं भी हमारी वोट परसेंटेज हमारे कम नहीं मिला है। एक जाई होके एक तरफ वोट पड़ गया, 1/2 एक तरफ हो गया, उसमें हम थोड़ा सा कहीं से डिफीट खा गए। उसके सुधार के लिए पूरा संगठन, पूरा हमारा देश, पूरा अमला भाजपा इसी पे खर्च कर रहा है, और हम उससे दूर हट के बात कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग परिवारवाद वाली पार्टी है, थोड़े दिन के बाद ही हो गया, अब हो गया तो उतापात बता रहे हैं। 39 सीट के बाद इन लोगों का जो तांडव बच रहा है उससे पूरी पब्लिक देख रही है। एक समाजवादी वालों की अगर सत्ता में है वो देखिए, एक नेता विपक्ष का बनाया गया पहली बार, दो बार से उनको मिलते नहीं थे विपक्ष की सीट, पहली बार मिला तो उन्होंने हिंदू हिंसक तांडव बना दिया। अरे हिंदू हिंसक होता है, हिंदू कभी हिंसक हुआ? यूपी में जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगी और अधिक से अधिक सीटें जीतेगी। इसके बारे में भी आपने देखा, एक दो महापुर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जनता का रुझान भी आपने देखा और उसके मताधिकार का प्रयोग भी आपने देखा। जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है, आने वाले समय में भी आप देखेंगे निकट जनपद अयोध्या में चुनाव मिलकर पूरा होने जा रहा है, आप देखेंगे इस चुनाव में क्या परिणाम आ रहे हैं, साइकिल के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। एक साधारण वर्कर्स बैठक थी परसों, जिसमें कम से कम 2000 आदमी इकट्ठा हुआ, सभी जात और धर्म के लोग आज की डेट में साइकिल को वोट दे रहे हैं। कोई विशेष वर्ग का आदमी साइकिल को वोट नहीं दे रहा, यूपी में सभी जात धर्म के लोग वोट दे रहे हैं, जिसका परिणाम अयोध्या लोकसभा आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश 10 सीटों का उपचुनाव, किसकी जीत किसकी हार? उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव में निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव का असर बनेगा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भीतरघात जो कि जो है सामने आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने भीतरघात को कम नहीं कर पाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और विपक्ष को फायदा होगा। मुझे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिल सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रदान किया जिन चीज़ों ने, और यही सब मुद्दे हैं बहुत हाईलाइट हुए, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा यहाँ की जो सीटें निकली हैं लोकसभा की वो भी बहुत कम निकली हैं, और इसका विरोध कहीं ना कहीं जनता को देखने को मिल रहा है। हाँ, हुआ था जो सांसदी काला में सांसद जो चुने गए थे लोगों ने, जनता ने उसमें दिखा दिया है कि भाजपा और सपा की जो टक्कर थी उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पीछे रह गई है। लेकिन अभी उनको जो जैसे उत्तराखंड में हुआ था तो उसमें भी कांग्रेस ने विजय अपनी घोषित की है, तो आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी अभी जनता जो है भाजपा की नीति समझ नहीं पा रही है, और आगे चल के शायद ही भाजपा निकाल पाए, इसमें भी विचार है। इस समय लोकसभा का चुनाव होने के कारण जो परिणाम निकल के आए हैं उससे कार्यकर्ताओं में भी भारी मायूसी है, और संगठन की जो अपेक्षा है कार्यकर्ताओं के प्रति इस तरीके के जो रहेंगे तो परिणाम उम्मीद मुताबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन जिस तरीके से लड़ रही है आने वाले समय में वो जो है प्रदर्शन जोर शोर से भी अच्छा होगा।
जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में जनता का जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा वो एनडीए गठबंधन की तरफ रहा, और इस बीच में एक चीज़ रही कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद भाजपा से नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी उसकी दूरी बनाए हुए हैं, तो ये चुनाव तरह से एक आज भाजपा को भारी पड़ने वाला है। हो सकता है कि एनडीए या सपा का अलायंस हो वो अच्छी सीटें पाए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सत्ता का चुनाव होता है उपचुनाव, तो हो सकता है कि भाजपा भी जीत जाए, तो 50-50 चांस है, दोनों में कोई भी जीत सकता है।